दोस्तों, आपने कभी ना कभी क्राइम बेस्ड सीरीज या मूवीज जरूर देखी होंगी और अब तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा कि क्या है फॉरेंसिक साइंस। चलिए आज मैं आपको फॉरेंसिक साइंस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉरेंसिक साइंस की रेपुटेशन तो बहुत है, बट फिर भी फॉरेंसिक प्रूफ को सेकंड नंबर पर गिना जाता है। तो फिर बेस्ट एविडेंस क्या है? जी वो है आई विटनेस। आपने मूवीज में देखा होगा कि घटनास्थल पर जैसे ही कोई चीज मिलती है तो उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और फॉरेंसिक टीम फटाफट एक दो घंटे में अपनी रिपोर्ट भेज देती है। बट असल में ऐसा नहीं होता। दरअसल ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें हफ्ते और महीने भी बीत जाते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा कि क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए और उसे पकड़ लिया गया। क्या मैचिंग 100% एक्यूरेट होती है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं, फिंगरप्रिंट्स मैच करवाना इतना भी आसान नहीं होता। फॉरेंसिक साइंस में अभी तक इसका कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं निकला है। कंप्यूटर ने थोड़ा काम आसान किया है पर 100% एक्यूरेट तो वो भी नहीं है। लाश पर लगे हुए कीड़े टाइम ऑफ डेथ और प्लेस ऑफ डेथ को बताने में हेल्प करते हैं। अब आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, फॉरेंसिक साइंस का कोई भी फाउंडर नहीं है, पर ये साइंस कहा जाए तो एक हद तक पुलिस वालों के कॉमन सेंस से चालू हुई थी।